साल 2010 में हुए ताड़मेटला नक्सली हमले में गोरखपुर के भगराई गांव के लाल प्रवीण राय शहीद हो गए थे। अपने माता पिता की तीन संतानों में सबसे बड़े प्रवीण ने देश सेवा की शपथ लेते हुए साल 2002 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ज्वाइन की थी। नौकरी के 8 साल ही हुए थे कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा फर्ज निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। नक्सली हमले में लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी। वो दिन याद करते ही परिवार दर्द में डूब जाता है। वो बच्चा रो पड़ता है जो अपनी पिता की शहादत के वक्त माँ की कोख में था। मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। किस कक्षा में? फोर्थ। बेटा, आपके पापा एक वीर सैनिक थे, उनके बारे में आपने कुछ सुना है? घर में कुछ लोगों ने बताया आपको? क्या बताया? वो बहुत अच्छे थे। बेटा, आप पापा का अपना कौन सा सपना पूरा करना चाहते हैं? बाबू, मेरे पापा, मेरे लाल, क्या बनना चाहते हो बताओ? पापा, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। किसान पिता के बेटे के दिल में सेना में शामिल होने का सपना था। बेटे की चाह देखते हुए पिता से जो बना वो किया। जिस दिन प्रवीण राय का चयन सीआरपीएफ में हुआ, पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। प्रवीण अपने घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे। उनकी कमाई से ही संयुक्त परिवार की गुजर बसर हो रही थी। गोरखपुर के प्रवीण राय नक्सली हमले में वर्ष 2010 में शहीद हो गए थे। 6 अप्रैल 2010 की यह घटना है और 6 अप्रैल आने वाला है। उनके इस शहादत दिवस को उनका परिवार तो पूरी शिद्दत के साथ मनाता ही है, उन्हें याद करता है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उनके लिए जो कुछ भी बन पड़ता है वो दान पुण्य का भी कार्य करता है। कमाने वाले वही एक ही थे, पूरा परिवार उनके ऊपर निर्भर था। सरकार भी हमसे कही थी कि ये करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई भी सुविधा ना कोई कुछ दिया ना लिया। गाँव में स्कूल है हमारे, प्राथमिक विद्यालय है, उनके नाम से हो गया होता। ये भी मैंने शिक्षा मंत्री को लिखा था, लेकिन वो भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। शहीद गेट के लिए भी कहा गया था, वो भी नहीं पूरा हुआ। शहीद के परिजन प्रशासन और नेताओं के द्वारा दी जाने वाली घोषणाओं को याद दिलाते हुए गाँव के प्राथमिक स्कूल का नाम शहीद के नाम से करने, प्रवेश द्वार और शहीद की प्रतिमा लगाने की मांग पिछले 11 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन न तो कोई नेता सुन रहा है न है स्थायी प्रशासन। बड़े पिता कहते हैं, जब शहादत हुई थी तब जन प्रतिनिधियों का मेला लगा था, बड़े बड़े वादे हुए थे जो आज तक हकीकत में नहीं बदल सके हैं। जो लोग आए, ये हो जाएगा, जमीन मिलेगा, ये होगा, गेट बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कोई किया। वर्तमान सांसद विधायक कुछ नहीं, सब लोग वही कहते या चले गए। प्रवीण राय के परिवार को सीआरपीएफ से मिलने वाली मदद और अनुकंपा को प्राप्त करने में 4 साल लग गए। शहीद को सम्मान देने के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, चाहे वह स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोग हो या गांव के प्रधान, ईटीवी भारत की तरफ से सभी से संपर्क साधा गया, लेकिन पंचायत चुनाव की व्यस्तता में ऐसे लोग कुछ भी बोलने से बचते रहे। प्रवीण जहाँ भी है, उनकी शहादत हमेशा गर्व से भरती रहेगी। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।